गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते. We'll do this one more time. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevaya Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So the last I met Siddharth was on the 15th of July this year. And Siddharth ka tha ki wo kabhi bhi phone kar deta tha ki haan Vidyut, what are you doing? Kuch nahi, aa raha hu main. Aur hum dono ka pichle 15-20 saalon se yahi rishta tha, because mere khayal se best friend yahi hote hain jab aap plan nahi banate ho zyada aur achanak dhamki deke pahunch jate ho. I think that's the best friendship. Siddharth Shukla has been my best friend because I've never had a friend like him. मेरा किसी के साथ भी एक ऐसा रिश्ता नहीं है या था जो शुक्ला के साथ था. कोई प्लान नहीं था. मेरा वो फर्स्ट जिम पार्टनर था बॉम्बे में, और वो भी लाइफ का प्लान ऐसा था कि अंधेरी में एक जिम है जिसका नाम था साइक्स. मैं वहाँ गया था एंड आई सी दिस वेरी टॉल वेल ड्रेस्ड गाय इन अ जिम. ये 2004 की बात है. आई रिमेंबर टेलिंग हिम व्हेन ही वाज लास्ट इन माय हाउस कि तू इकलौता लड़का है जिसके बारे में मुझे याद है कि तूने पहले दिन क्या पहना था. नॉर्मली लोग लड़कियों का याद रखते हैं. उसने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, बेज ट्राउजर्स पहनी थी और शूज पहने हुए थे. एंड आई रिमेंबर दिस बिग गाय, उसके आंखों पे बाल गिर रहे होते थे. एंड आई थॉट वाओ हाउ गुड लुकिंग इज ही. देन आई वेंट टू माई कजन एंड आई आस्क्ड हिम ये कौन है यार. सो उसने बोला अरे ये तो शुक्ला है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. एंड उस दिन मैं उसको पहली बार मिला था. उस दिन से हम दोनों जिम पार्टनर बन गए. आई हैड सम ऑफ माई बेस्ट ट्रेनिंग सेशंस विद हिम. जब भी वो जिम आता था उसका एक मंत्र होता था, टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन. और हम लोग हर दिन यही बोलते थे. जब वो ज्यादा वेट उठाता था तो वो ये बोलता था, टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन. मैंने कमांडो 1 फोर्स में कई स्टंट्स किए थे WWF WWE से इंस्पायर होके, और शुक्ला और मैं वो बहुत देखा करते थे. शुक्ला वॉज रियली अ हार्डकोर एक्शन फैन. वो मुझे इतने अलग अलग मूव्स दिखाता था. हम लोग जिम में होते थे और वो बोलता था अरे आज मैंने इसको देखा है. एंड आई यूज टू वॉच देम एंड आई यूज टू गो बैक एंड यूज टू ट्रेन एंड देन आई यूज टू सेंड हिम वीडियोज. जिम में कई बार ऐसा होता था कि हम लोग जिम करते थे, फिर हम दोनों उन दिनों मॉडलिंग कर रहे होते थे. इतने शोज साथ में नहीं करते थे, बट जब भी शोज साथ में करते थे तो हम लोग बहुत मजे करते थे. आई रिमेंबर आफ्टर आई क्विट मॉडलिंग मैंने फोर्स की, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई हैड शोन माई फिल्म फेयर ट्रॉफी टू, बिकॉज आई न्यू कि वो बहुत खुश होगा. और वो बहुत खुश होता था. मैं बेस्ट फ्रेंड इसलिए बोलता हूँ कि आप एक ही इंडस्ट्री में हो और आपको पता है कि आपकी हर चीज़ देखी जा रही है आपके दोस्त से, और वो आपको हमेशा बताएगा कि तुमने क्या सही किया कि नहीं. शुक्ला यूज टू ऑलवेज कॉल मी. आई रिमेंबर आई वेंट फॉर कमांडो 1, पहले दिन का शो था, मेरी फर्स्ट फिल्म थी एज अ हीरो. एंड शुक्ला को मैंने उस दिन थिएटर में देखा. ही डिडंट कॉल मी कि वो पिक्चर देखने जा रहा है, एंड वो अपनी मॉम के साथ था. आई रिमेंबर वॉकिंग इन टू द थिएटर एंड आई सॉ मॉम, एंड मैं आंटी को देख के बहुत इम्प्रेस हो गया था. मैं आंटी के पाँव छुए और आंटी ने कहा, विद्युत सिद्धार्थ ने इतनी जिद की है कि मुझे आज फर्स्ट डे देखनी है फिल्म. और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो फिल्म देख रहा है नहीं देख रहा है. आई वॉज जंपिंग फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर. सो शुक्ला इस तरह की चीज़ें करता था. वो ये नहीं बोलता था अरे मुझे प्रीमियर पे बुलाओ, इनवाइट करो. उसका कोई सीन ही नहीं था ऐसा. हिज मम, ही इज बीन रेज्ड बाय विमेन. और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपको विमेन ने रेज किया है, आप थोड़े अलग तरह के मर्द होते हैं. आई थिंक ही इज बीन रेज बाय वेरी स्ट्रांग थ्री वुमेन, हिज मदर हिज सिस्टर्स. और मुझे लगता है कि असली मर्द वुमेन ही रेज कर सकती हैं. मैं उसको असली मर्द इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मैं उसका जिक्र करता हूँ आज
पहले उससे पहले मैं हमेशा बोलता था कि मर्द तो ऐसा ही होता है, वो बहुत इज्जत करता था सबकी, बच्चों की, वॉचमैन की, सबकी। मतलब जिम में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला से डरता नहीं था, और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला को बहुत प्यार नहीं करता था। सो आई रिमेंबर गोइंग टू हिज हाउस एंड उसकी मॉम बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि अरे विद्युत तुम्हें मैं घर का खाना खिलाऊंगी। शुक्ला हमेशा से बचपन से ही अपने घर में रहता था, हम लोग बॉम्बे के बाहर से आए थे, सो किसी के घर में जाके खाना खाना बहुत बड़ी बात होती थी, हाउस होममेड फूड। सो आंटी यूज़ टू ऑलवेज कुक एवरी टाइम आई वेंट, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, वो मेरे लिए राजमा चावल बनाती। एंड व्हाई आई वांटेड टू बी हियर टुडे इज बिकॉज व्हेन आई मेट शुक्ला द लास्ट 15th of July, उसने मुझे रैंडमली फ़ोन किया था कि विद्युत क्या कर रहा है, और मैं घर पे था, मैंने कहा आ जा। हर बार की तरह वो 1-1.5 घंटे में आ गया था, एंड आई स्पेंड अबाउट 3-3.5 hours विद हिम, जस्ट हिम एंड आई। सो जो मेरे गेट पे पहुंचा उसने बोला अरे यार बहुत मीडिया आई हुई थी, आई वाज लाइक मैंने नहीं बुलाई। सो ही सेड मैंने भी नहीं बुलाई। सो आई रिमेंबर इन द कॉन्वर्सेशन ही टोल्ड मी दैट ये जो पैप कल्चर है विद्युत, आई आस्क्ड हिम व्हाट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट हाइस्ट जो बाकी किसी एक्टर को नहीं होता है, एंड ही सेड विद्युत ये जो पैप कल्चर है ना, यहाँ पे एक्टर्स फोन करते हैं उनको कि आज मैं जिम जा रहा हूँ या आज मैं जिम से निकलने वाला हूँ तो आप आइएगा पिक्चर खींचने। सिद्धार्थ शुक्ला इज द ओनली एक्टर दैट आई नो ऑफ, यू कैन आस्क द मीडिया, ही इज नेवर कॉल्ड पीपल अप। उसको मीडिया पसंद करती थी, वो पैप्स की बहुत इज्जत करता था, आके वो दे यूज टू क्लिक पिक्चर्स, ही यूज टू रियली बी वेरी ग्रेशियस विद देम, एंड वो शुक्ला का प्यार था। एंड आई रिमेंबर उसकी जब मेरे घर से भी बाहर निकला था उसके पीछे बाइक्स पड़ी रहती थी कि उसकी फोटो खिंच जाए, फोटो खिंच जाए। ही हिम एंड आई हैड अ चैट एंड आई आस्क्ड, सो वी बोथ स्टार्टेड टुगेदर एंड वी बोथ डिड वेल इन आवर लाइव्स, हिम ऑफ कोर्स बेटर, ही हैज मोर लव देन एनीबॉडी एल्स आई नो। एंड आई रिमेंबर वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट हाउ अमेजिंग इट इज टू बी वेयर वी आर। सो आई वांट टेल एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हु लव्स सिद्धार्थ, those few hours, I don't think उसने एक भी ऐसी बात बोली थी जिसमें वो कभी ना बोले कि he's on the biggest high of his life. He just didn't have time for himself. But every time he woke up, he had people surrounding him. He had always everybody around him, and he was always very nice. उसका एक और किस्सा है, याद मैं पहली बार बता रहा हूँ। सो जब हम मॉडलिंग कर रहे थे, सो उसने एक हायाबूसा बाइक खरीदी थी वाइट कलर की, एंड वो इतना अच्छा दोस्त था मेरा, मैं उसको बोलता था यार आज मुझे इससे मिलने जाना है, तो मुझे बोलता था अपनी घर से बाइक उठा ले। आई यूज टू गो होम, आंटी यूज टू गिव मी द हेलमेट एवरीथिंग, एंड आई यूज टू टेक हिज बाइक फॉर सो मैनी राइड्स। मैं शूट पर ले जाता था, किसी को नहीं पता था कि वो बाइक मेरी नहीं है। मेरी जितनी दोस्त थी जिनको मैं बाइक राइड पर ले जाता था, उनको लगता था वो मेरी बाइक है, इट वॉज माई बाइक। And very few people knew the fact that it was Shukla's. जो उसको जानते थे वो जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। मैंने समझ से थैंक यू शुक्ला, दो आई said it to you when I met you, but thank you, it's been amazing. तुमने मुझे आदत दिलाई बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स पे बैठने की। Another thing I want to share about Siddharth Shukla, the मर्द, मैं हमेशा बोलता हूँ मर्द है, मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ, और जैसे हम लड़के आपस में बात करते हैं कि अरे वो कौन है, उसके साथ क्या हो रहा है तुम्हारा, अबाउट दिस गर्ल, अरे मैंने सुना है तुम्हें बहुत पसंद करती है, सिद्धार्थ शुक्ला इज द ओनली मैन आई नो इन माय लाइफ, और जो जो सिद्धार्थ को पर्सनली जानते हैं वो ज़रूर बताएंगे, वो कभी भी किसी लड़की का नाम जिक्र नहीं करता था। अगर उससे पूछ लिया जाए कि ये है क्या सीन है भाई, व्हाट्स हैपनिंग, नॉर्मली लोग होते हैं बोलते हैं अरे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, जो नहीं बताना चाहते। सिद्धार्थ शुक्ला इग्नोर करता था, वो देखता था और मुंह फेर लेता था। I've never heard him ever mention any woman's name, and I think that is a great quality of a man. I've never heard him ever mention. ये मैं बहुत जरूरी चाहता था कि हर आदमी जाने कि शुक्ला ऐसा है, मैं किसी को नहीं जानता ऐसा। शुक्ला was very good with one word answers, wit, अंग्रेजी हो या हिंदी। जब वो लास्ट मेरे घर आया था, आई रिमेंबर ही शोड मी वन ऑफ हिज फैन मेड वीडियोस विच हैड गॉन वायरल, जहाँ पे उसका वन विट जवाब है बिग बॉस 13 में, उसने बहुत जवाब दिए लोगों को। आई रिमेंबर ही वाज सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज विटी,
ही उसको पता था कि वो इंटेलिजेंट है और वो उसका पूरा इस्तेमाल करता था. वन ऑफ द फ्यू पीपल आई नो हु कुड स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, कुड गिव आंसर्स बेटर देन एनीबडी एल्स. सिद्धार्थ शुक्ला को हराना बहुत मुश्किल होता था. एक दिन मुझे रात को शुक्ला का 12:30 के करीब फोन आया और शुक्ला के लिए मेरे एक अलग टेलीफोन रिंग होती थी. एंड आई रिमेम्बर ही वाज स्क्रीमिंग ऑन द फोन कि विद्युत ला 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 ला, तुझे पता है नॉक नॉक तेरा बाप आया, ये मेरा गाना है. सो मैंने कहा हाँ तेरा गाना, ये मेरा गाना है. सही से नहीं मेरा गाना है, मुझे तो आज पता लगा ये तेरा गाना है, मैं कब से सुन रहा हूँ, लोग मेरे बारे में डेडिकेट करते हैं. एंड देन ही शोड मी दैट नाइट सो मेनी वीडियोज जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला जी एंट्री करते हैं स्लो मोशन में और वो गाना बजता है नॉक नॉक तेरा बाप आया. और उसने मुझसे आर्ग्यू किया कि वो गाना उसका है. सिद्धार्थ शुक्ला नॉक नॉक तेरा बाप आया तेरा ही गाना है भाई, इट सूट्स यू द बेस्ट एंड द मोस्ट, नोबडी कैन कैरी इट ऑफ एज वेल एज यू डू. आईव सीन किड्स क्रेजी अबाउट हिम, आईव सीन मैन क्रेजी अबाउट हिम इन द जिम बिकॉज वो बहुत तगड़ा था, वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा वेट उठाता था. नेचुरल स्ट्रेंथ थी उसमें, विमेन लव्ड हिम, ही वाज अ हॉट गाय, वेल स्पोकन, वेल ब्रेड, वेरी वेल रेज्ड बाय विमेन. ही लाइक एक इंसिडेंट है, मेरी मॉम को पता नहीं याद है कि नहीं है. एक दिन मेरी मॉम आई हुई थी बॉम्बे और सिद्धार्थ शुक्ला एज सिद्धार्थ शुक्ला इज उसने 12:01 फोन किया. हम लोग टीवी देख रहे थे रात को और शुक्ला ने बोला विद्युत मैं आ रहा हूँ घर पे. सो मैंने कहा कितनी देर में आ रहा हूँ. सो कहता है मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ. सो ही केम एंड माय मॉम वाज ऑन अ विजिट एंड ही केम टू द हाउस एंड ही सेड मम्मी कहाँ. सो मैंने अपनी मॉम से पूछा था, मैंने कहा मैं सिड आ रहा हूँ उससे प्लीज मिल लीजिए. सो माय मॉम वाज इन हर नाइट क्लोथ्स और जैसे हर मदर होती है वो चाहती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूँ जब मिलूँ अपने बेटे के दोस्तों से. सो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आज नहीं मिलूंगी, बहुत लेट हो गई, उसको बोल देना मैं सो गई. और मेरी मॉम मूवी देख रही थी, कुछ देख रही थी टीवी पे. सो सिद्धार्थ कम्स इनटू द हाउस एंड ही सेड आंटी कहाँ. सो आई सेड आंटी यार सो रही हैं अंदर रूम में. उसने मेरे देखा भी नहीं, सीधा बेडरूम की तरफ गया, दरवाजा खोला, माय मम वाज विद द रिमोट वाचिंग टीवी एंड शी स्टॉप्ड एंड शुक्ला वेंट रनिंग. उन्होंने उसने उनके पांव छुए और मेरी मम पहले तो 2-3 मिनट तक बहुत नर्वस थी बिकॉज यू नो विमेन आर, बट शुक्ला ने पांव छुए, गले मिला. माय मम वाज ऑस्ट्रक बाय हिम द नाइसनेस. निडर आदमी था, कोई डर नहीं, उसको कोई डर नहीं था. जब मैं मर्द बोलता हूँ ना, सो उसको ये नहीं था कि तुम लंबे हो, चौड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, होशियार हो, ये वो, अगर तुम गलत हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा. एंड बिग बॉस में भी उसने वही किया था. आई वॉज इन उज़्बेकिस्तान एंड आई यूज टू बी गेटिंग क्लिप्स ऑफ हिज और मैं हंसता था क्योंकि वो निडर था और ऑनेस्ट था. जो वो सोचता था वो बोलता था और उसको जो दिखता था वो दिखाता था. दैट्स वन क्वालिटी लाइक आई से आई डोंट नो एनी ह्यूमन बींग दैट पोजेसेस दैट क्वालिटी. आई हैवंट मेट हिम. I met anybody, so I think I'm very blessed to have a friend that I can talk about all my life with great pride. क्या मर्द आदमी है. मैंने शुक्ला को बहुत यूज़ किया है, बहुत. मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाता था और कोई भी आदमी मिलता था जैसे रमेश शुक्ला या प्रीति शुक्ला, सो मैं जल्दी से उसका नाम ड्रॉप कर देता. अरे शुक्ला, यू नो सिद्धार्थ शुक्ला, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड. मैंने बहुत नाम ड्रॉप किया और उसको मैं बताता था कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शुक्ला नहीं है जिसको मैं नहीं मिला हूँ. उसको मैं बोला नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला मेरा दोस्त है गर्व से. आई यूज टू शो ऑफ, आई यूज बी प्राउड टू टेल द वर्ल्ड दैट ही इज माय फ्रेंड, लाइक वेरी प्राउड, वेरी प्राउड. आई वांटेड टू टेल आंटी. इस बार जब मैं गया था आंटी से बात करने की तो हिम्मत नहीं थी, क्या बोले आदमी. बट आंटी जब मैं वहां पे था उसके साथ मेरे घर पे, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था कि वो आपको ज्यादा प्यार करता है एज कम्पेयर टू मैं अपनी माँ को करता हूँ. मतलब कमाल है यार, मुझे लगता था आई एम द बेस्ट सन है, बट देन आई मेट सिद्धार्थ शुक्ला दैट नाइट. शर्म आ गई थी मुझे कि वेरी हैप्पी. जो जो वो चाहता था उसने किया. मैं उसको मॉडलिंग दिनों से जानता हूँ, जिम से जानता हूँ. उसने सब कुछ किया यार, सब कुछ. सक्सेसफुल, वेल मेंटेन्ड, वेल स्पोकन, निडर,
जो जो वो चाहता था, जितनी स्टारडम उसको चाहिए थी उसने अचीव की है, जितना वो लोगों को बिना ट्राई किए कि मुझे प्यार करें. कई लोग चाहते हैं कि लाइक दे विल चार्म यू, दे विल डू थिंग्स सो दैट यू फॉल इन लव विद देम. सिद्धार्थ शुक्ला नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला वाज हिमसेल्फ. वी ऑलवेज स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट यार आदमी जब बहुत बड़ा स्टार बन जाता है उसके बाद लोग आपके पास क्यों आते हैं बोलने के लिए कि अरे आई वांट टू वर्क विद यू, अरे क्या कमाल हुआ. वो लोग जो आपको शुरू में ही पहचान जाते हैं कि यार इसमें पोटेंशियल है, वी बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन हिम. सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, एवरीबडी हु लव्स हिम, दूरदर्शी हो आप लोग, आपको पता था और आपको पता है कि क्या पोटेंशियल है उस आदमी में. हैट्स ऑफ टू यू. आप वो लोग नहीं हो जो उसके जाने के बाद बोल रहे हैं कि अरे क्या आदमी था, क्या आदमी था. आप लोग वो लोग हैं जिसके बारे में उसको पता था. ही रिप्रेजेंटेड यू गाइस वेरी वेल, हमेशा उसको ध्यान रहता था. जब लास्ट मेरे घर आया था हमने पिक्चर नहीं खिंचाई थी क्योंकि हम दोनों का कॉमन ये था यार जिसके पास भी जाते हैं उनको सिर्फ पिक्चर चाहिए, कोई बैठ के बात नहीं करना चाहता तुमसे. पॉइंट्स जितने थे दिमाग में वो तो हैं, बता दिए. एवरीबडी शुड सेलिब्रेट हिज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर. बहुत सही आदमी, लाइक अनबिलीवेबल, अमेजिंग. सो गाइज, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग, आई लव यू. सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं पहली बार किसी क्रीमेशन पे गया हूँ जहाँ पे मुझे लगा कि भगवान क्रीमेट हो रहे हैं. दिस गॉड लाइंग देयर, देयर वर पीपल फोल्डेड हैंड्स सिंसियरली. आई फेल वेरी प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ शुक्ला, कमाल किया तुमने यार. गर्व से कह सकता हूँ कि आई लव यू.